जितने भी फॉरेनर्स और ट्रैवलर्स वो भी आते हैं तो वो जयपुर से अजमेर से बेहतर जयपुर जाते हैं, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे जू हैं और अजमेर के अंदर अगर ये बर्ड सेंचुरी बन गई तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आएंगे और यहाँ की जो ट्रैवलिंग कंपनीज है उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। सर एक बात बताएं तो बर्ड पार्क बनते ही जैसे अजमेर के अंदर कोई भी जू नहीं है, जितने भी फॉरेनर्स और ट्रैवलर्स वो भी आते हैं तो वो जयपुर से अजमेर से बेहतर जयपुर जाते हैं, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे जू हैं और अजमेर के अंदर अगर ये बर्ड सेंचुरी बन गई तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आएंगे और यहाँ की जो ट्रैवलिंग कंपनीज है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, तो इससे कैसा अच्छा महसूस होता है, उसे आप देखने आए थे? सर इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत है, हमारा देश है, चाहे अजमेर ही क्यों ना डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, ये भी अगर विकसित होगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये विकसित होगा तो हमारा भारत विकसित होगा, भारत विकसित होगा तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। अभी किस तरह के देखने को मिले यहाँ पर आए थे? सर यहाँ पर पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा आबादी है, क्योंकि इस बार कोरोना के टाइम की वजह से पॉल्यूशन बहुत कम था, तो जितने भी वो बर्ड्स हैं वो सारी की सारी माइग्रेट होकर यहाँ पर आई है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुबह का अर्ली टाइम होता है 6 o'clock के बीच के अंदर, तो जितने भी जॉगिंग करने आते हैं तो उनका मन बहुत अच्छी तरह से महल जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर है ना हमारा अजमेर विकसित हो रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम है नवदीप सिंह भाटी। भैया अगर आप मानते हो तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज से भी आते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर पुष्कर में जाते हैं पर्यटक। तो पुष्कर जाने वाला रास्ते में चौपाटी पड़ती है जहाँ पे बर्ड पार्क बनेगा तो यहाँ पे ढेर सारी बर्ड्स भी आएगी, पर्यटक भी ज़्यादा बढ़ेंगे। पर्यटक आने की वजह से यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होएगा अजमेर का, जिससे हमारी करेंसी रेट ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया की और अजमेर की। मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठौर। किस तरह से दिग्विजय जी अच्छा लगता है कि यहाँ पर स्थित सारी बर्ड देखने को मिलती है? बर्ड देखने को हमें बहुत अच्छा लगता है और पर्यटक को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा रहेगी और जगह भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे बर्ड्स का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होएगा और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा रहेगी बर्ड पार्क्स के साथ साथ। सागर विहार एरिया में एक CSR के अंतर्गत एक पाथवे बना हुआ था और उसके किनारे पर करीब 20,000 square meter करीब लैंड थी नगर निगम की। उस लैंड में बड़ी गंदगी भी रहती थी और लेकिन फिर भी प्रवासी पक्षी वहाँ पर रहते थे, लेकिन प्रवासी पक्षी क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं थी तो कुत्ते हैं सुअर हैं वे उन लोगों को पक्षियों को परेशानी भी रहती थी, तो उसके तहत यहाँ पर एक बर्ड पार्क विकसित किया गया जिसमें हमने बाउंड्री बनाई है और उसके अलावा हमने रेलिंग लगाई है, फेंसिंग की है उस पूरे एरिया की। तो उससे एक तो जो पक्षी हैं उनको दूसरे जानवरों से निजात भी मिलेगी और इसके अलावा जो पक्षी हैं वो वहाँ पर नेचुरल वातावरण में रह सकेंगे। और उसी पूरे एरिया में जो 20 बीघा का एरिया है उसके अंदर हमने कुछ माउंट्स भी बनाए और प्लांटेशन भी किया है जो पक्षियों के अनुरूप और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अनुरूप रहेगा। इसके अलावा जो करीब 80 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर आती हैं प्रवासी पक्षियों की, उन सब की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हमने बोर्ड्स भी लगाए, तो जो सागर विहार की पाल है उस पर जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो बोर्ड्स पे आपको जानकारी मिल सकेगी, उनके बड़े सुंदर चित्र भी हैं जिससे आप उन पक्षियों को पहचान भी सकोगे, जिनकी भी रुचि है पक्षियों के बारे में तो उनको वो जानकारी भी मिल सकेगी। तो पूरा वो एनक्लोज हो गया, पूरा वो सेफ हो गया और उस पर एनक्रोचमेंट भी रुकेंगे, अदरवाइज़ तो क्या अगर वह जगह ऐसे ही पड़ी रहती तो भविष्य में एनक्रोचमेंट रहने की भी संभावना रहती। तो बिल्कुल सुंदर एक CSR की जो पाथवे है इधर सागर विहार के अंदर उसको हमने डेवलप कर दिया है और साथ ही वहाँ पर जो पानी भरने की भी समस्या रहती थी उसको निजात दिलाने के लिए भी वहाँ पे हमने सम बनाए, स्मार्ट सिटी के तहत सम बनाकर उस पानी को पंप करने के लिए बहुत पावरफुल पंप लगाए। अभी जो पंप लगे हुए थे उससे करीब 9 times ज़्यादा पावरफुल वो पंप्स हैं, तो बारिश में जैसे भी पानी वहाँ एक्युमुलेट होता है, क्योंकि वो कॉलोनी का जो ग्राउंड लेवल है वो आना सागर के टॉप लेवल से नीचे है, तो लिहाजा जो बारिश तेज़ बारिश आती है तो वहाँ पानी भर जाता है, तो उस पानी को पंप करने की व्यवस्था होगी। वहाँ पे जो ADA का इलेक्ट्रिक कनेक्शन था वो भी 15 किलोवाट का था, उसको भी अपग्रेड करके हमने अभी 75 किलोवाट का कराया और उस पार्किंग में हमने वॉशरूम्स बनाए, उस पाथवे पे हमने पार्किंग की व्यवस्था दी है और उस पर अब सुंदरता से लोग आ जा सकेंगे और घूम सकेंगे। और अविनाश शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, स्मार्ट सिटी अजमेर।